Good morning, students. This is Neha from Max Classes. Students, in this video, we will try to solve question number 37 and question number 38 from the chapter Height and Distance. You can find this question on page number 639. Okay. Now, question number 37 is this. From the top of a hill, the angles of depression of 2 consecutive kilometer stones due east are found to be 45 degree and 30 degree respectively. Okay. So, suppose this is the hill. Okay. This is the hill and this is the top of the hill. From this point, we are observing 2 consecutive kilometer stone. Okay. Suppose these are 2 consecutive kilometer stone A and B. Okay. And we are observing at from the top of the hill. Okay. So, their angle of depression. Their angles of depression are found to be 45 degree and 30 degree respectively. Okay. So, ये एंगल आपका होगा, ओके, क्योंकि ये आपका किलोमीटर स्टोन है और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बोल रहे हैं 45 एंड 30 डिग्री, ओके, सो 45 डिग्री एंड दिस कंप्लीट विल बी 30 डिग्री. सपोज दिस इज डी एंड सपोज दिस इज डी एंड ई, ओके, एंड हियर सिंस डी ई इज पैरेलल टू सी बी. Since DE is parallel to CB and DA or the DB is the transversal line. Then by the concept of alternate interior angles, the angles will be, okay, the angles will be same. Okay, the EAB angle, EDB, EDB angle is equals to DBC. DBC. ये angle इस angle के बराबर होगा. लेकिन students, इस type के question में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि आप जितनी दूर से किसी point को observe करेंगे या फिर यहाँ से आप किसी दूर point को observe करें या फिर नीचे से आप ऊपर वाले point को किसी को देख रहे हैं, okay? So जो जितनी दूर point से देखोगे तो वो angle आपका कितना होगा? छोटा होगा. क्योंकि ये आपका एंगल कितना हो जाएगा? 30 होगा. ये एंगल 30 एंड दिस विल बी 45. ओके, व्हाई? बिकॉज किसी हम किसी भी पॉइंट को बेटा दूर से हम जब भी देखेंगे तो वो एंगल कैसा होता है? स्मॉल बनता है. और जितने हम उससे पास से देखेंगे उतना ही वो एंगल कितना होगा? बड़ा होगा. सो इफ दिस 30 देन दिस विल ऑल्सो बी 30 एंड इफ दिस इज 45 देन दिस विल ऑल्सो बी 45 बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, डी बी सी इज इक्वल्स टू 30 एंड सिमिलरली एंगल ई डी एंगल ई डी सी ए एंगल ई डी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी. डी ए सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, सो स्टूडेंट्स वन बाय वन वी विल कंसिडर द राइट ट्राइंगल. ओके, सपोज द हाइट ऑफ द हिल इज एच. ओके, एंड सपोज दिस इज एक्स एंड सिंस दिस इज द कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन सो द डिस्टेंस बिटवीन ए बी विल बी 1 किलोमीटर. क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 1 किलोमीटर होगी. क्योंकि जो माइलस्टोन लगाए जाते हैं, अगर वो एक माइलस्टोन यहाँ लगा है दूसरा माइलस्टोन आपका यहाँ लगा, किलोमीटर स्टोन यहाँ लगा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगा. क्योंकि एक एक किलोमीटर डिस्टेंस पर ही हम किलोमीटर स्टोन को लगाते हैं ताकि हम डिस्टेंस पता कर सकें कि किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है. ओके, सो स्टूडेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन ए बी विल बी 1 किलोमीटर. नाउ इन राइट ट्राइंगल DCA, in right triangle DCA will have perpendicular upon a base, that means DC upon me AC. DC upon me AC is equals to 1045 is equals to what? 1. Okay, so since DC was H and AC was S, X, so H by X is equals to 1. Okay, so here come H equals to X. Suppose this is your equation number 1. Okay, now consider the another right triangle. In right triangle DCB, in right triangle DCB, DCB, we will have DC perpendicular upon the base, base is CB, complete CB base lenge hum isme. CB is equals to what? Tan 30, tan 30 hota aapka 1 by root 3. Okay, DC aapka kitna tha students? H tha, aur jo CB hai, CB kitna hai? X plus
वन. ओके सो एच अपॉन में एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू वन बाय रूट थ्री. ओके सिंस स्टूडेंट्स एच और एक्स आपका बराबर था सो एच को यही रहने दिया, इस एक्स को हमने क्या लिख दिया एच प्लस वन लिख दिया. ओके क्योंकि एक्स और एच तो आपका सेम था बाय इक्वेशन नंबर वन, तो इस एक्स को रिप्लेस करके एच प्लस वन लिख दिया इज इक्वल्स टू वन बाय रूट थ्री. नाउ हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो इट विल बिकम एच रूट थ्री इज इक्वल्स टू वॉट एच प्लस वन. सो ये एच इधर सब्ट्रैक्शन में जाएगा, एच रूट थ्री माइनस में एच इज इक्वल्स टू वन. सो एच अंडर रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल्स टू वन. ओके सो एच कम्स आउट टू बी वन अपॉन में अंडर रूट थ्री माइनस वन. सो स्टूडेंट्स वी विल नाउ रैशनलाइज इट अंडर रूट थ्री प्लस वन एंड अंडर रूट थ्री प्लस वन. सो एच कम्स आउट टू बी अंडर रूट थ्री प्लस वन एंड हेयर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे. ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके सो इट विल बिकम अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर दैट मीन्स थ्री एंड माइनस वन. सो इट विल बिकम फाइनली अंडर रूट थ्री प्लस वन बाय टू किलोमीटर. ओके सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Still, if you have any doubt, you can comment me in the comment box. Okay, I will try to clear your doubts as soon as possible. Okay, now students moving to our next question, which is question number 38. Okay, question number 38 is this: if at some time of the day the ratio of heights of a vertically standing pole to the length of its shadow. Okay, this will be the shadow, and this will be the pole. Okay, on the ground is under root 3 is to 1. Okay, then find the angle of elevation of the sun at that time. Okay, हमें बोला गया है students कि किसी दिन में किसी भी time पे आपका जो vertical pole है, vertical pole की जो height है और उसकी जो shadow की जो length है उसका ratio आपको दिया हुआ है under root 3 is to 1. मतलब कि इसका ratio कितना दिया, under root 3 is to 1 इसका ratio दिया हुआ है आपको. So हमें पता करना है कि उस time पे जो sun का जो angle बना था, यहाँ पे कहीं पे sun है तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन हमें पता करना है उस टाइम पे जिस टाइम पे पोल का लेंथ और शेडो का लेंथ का रेशियो अंडर रूट थ्री इज टू वन था, उस टाइम पे हमें एंगल पता करना है. ओके सो सपोज स्टूडेंट दिस इज ए बी एंड सी. ओके सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी. ओके सपोज लेट at any time of the day, at some लिखो यहाँ पे students, at some time of the day the height of vertical pole be अंडर रूट थ्री एक्स. ओके रेशियो अंडर रूट थ्री इज टू वन दिया था सो हमने वर्टिकल पोल का जो हाइट था वो अंडर रूट थ्री एक्स मान लिया एंड द लेंथ ऑफ शेडो, द लेंथ ऑफ इट्स शेडो बी वन एक्स. ओके क्योंकि अंडर रूट थ्री इज टू वन का रेशियो दिया था सो हमने शेडो का लेंथ वन एक्स मान लिया है. सो इन राइट ट्राइंगल ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल्स टू वॉट टेन थीटा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेन थीटा होता है. सो ए बी कितना था स्टूडेंट्स, अंडर रूट थ्री एक्स बोला हमने और इसे एक्स कहा है. ओके सो अंडर रूट थ्री एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू वॉट टेन थीटा, एक्स से एक्स कट जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी, अंडर रूट थ्री एक्स अपॉन में एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा. सो अंडर रूट थ्री इज इक्वल्स टू वॉट टेन थीटा. सो अंडर रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है. सो टेन सिक्सटी इज इक्वल्स टू टेन थीटा. ओके जब आपके दोनों टेन थीटा और टेन सिक्सटी इक्वल है दैट मीन्स आपका थीटा यहाँ पे किसके बराबर आ गया स्टूडेंट, 60 डिग्री के बराबर. सो सन का जो एल्टीट्यूड है, जो सन का एंगल जो बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री. ओके सो स्टूडेंट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम विल बी 60 डिग्री. सो आ क्वेश्चन गेट कंप्लीटेड हियर. स्टिल इफ यू हैव एन डाउट यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट बॉक्स एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.